हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग टॉपिक लाए हैं मैथमेटिक्स का, जो कि बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस, यानी कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एनसीईआरटी बुक को हम लोग फॉलो करने वाले हैं और ये क्लास 10 के लिए, जो सीबीएसई से एग्जाम देने वाले हैं इस बार बोर्ड का, उन बच्चों के लिए है। तो आप बिहार बोर्ड से भी हैं तो भी देख सकते हैं, क्योंकि कंसेप्ट लगभग सेम ही होता है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप बिहार बोर्ड से हैं तो भी देख सकते हैं, क्योंकि हिंदी में ही मैं बताने का कोशिश करूंगा। तो चलिए देर न करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पे जो टॉपिक लिखा हुआ है, क्लास 10 मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड। ये हालांकि बिहार बोर्ड वाले भी बच्चे देख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप बीएससीबी वाले जो बच्चे हैं, बीएसईबी, वो भी देख सकते हैं। ये लेटेस्ट सिलेबस पे बेस्ड होगा आज का जो हमारा टॉपिक है, और चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति, यानी कि त्रिकोणमिति का जो परिचय है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें दो टॉपिक से, एक आइडेंटिटीज के बारे में भी पढ़ेंगे, जिसमें साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, कैसे प्रूव किया जाता है, वो सारे चीज हम लोग पढ़ेंगे। तो वो दो चैप्टर मिला करके आपका टोटल 12 मार्क्स का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से अगर कर लेते हैं तो 12 मार्क्स आपका सिक्योर हो जाता है। बहुत ही आसान सवाल आते हैं, थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होता है बच्चों को आइडेंटिटीज, जिसको मैं समझाने की कोशिश पूरी तरीके से करूंगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, त्रिकोणमिति किसे कहा जाता है। तो ये बहुत ही बेसिक है, ये तो आपको डेफिनेशन पूछने वाला है नहीं, लेकिन जानने के लिए आपको जरूरी है। देखिए, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए क्या होता है, आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एक 90 डिग्री होता है और बाकी सब एक्यूट एंगल होते हैं, जो कि 90 से कम होते हैं। तो उन सभी की बात करें तो उसमें जो एक्यूट एंगल्स का, ठीक है, और साइड जो होता है उसका, दोनों का रिलेशन जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं ना, तो उसी को क्या बोला जाता है, ट्रिग्नोमेट्री बोला जाता है। यानी कि ये रिलेशन फाइंड आउट करना है एंगल्स और साइड्स के बीच में, ठीक है। तो आज हम लोग इसमें देखेंगे राइट एंगल जो ट्राइंगल्स होते हैं उसमें उसका कुछ एंगल्स होते हैं, एक्यूट एंगल दो होते हैं और एक राइट एंगल होता है। तो एक्यूट एंगल और साथ साथ उसके जो साइड्स हैं, प्रोपोर्शनल साइड्स हैं, उसका रेशियोज हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो उसको रिलेशंस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, तो उसी को बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्री। तो आप डेफिनेशंस के तौर पे आप इसको याद कर सकते हैं। आइए देखिए, एक सिंपल सा हमने सुंदर सा एक क्या बना दिया है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया है, जिसका नाम रखा है ए बी सी, ठीक है। तो ए बी सी जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें आप देख सकते हो, अगर हम लोग इसको थीटा मान लेते हैं बच्चे, इसको क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, मतलब कि एंगल सी को हम लोग थीटा मान लिए। थीटा ऐसे ही कोई एक टर्म है, मैथमेटिकल टर्म है, जिसको हम लोग रख दिए हैं। थीटा एंगल्स को ज्यादा दिखाने के लिए होता है, थीटा बीटा अल्फा ये सब कुछ होता है, ठीक है, तो आप जानते होंगे। तो ये थीटा रख दिया है, इसके सामने वाला जस्ट देख सकते हो आप, इसके सामने वाला जो है, इसके अपोजिट साइड्स हैं, उस साइड को आप बोलते हो परपेंडिकुलर। इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको लंब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका नीचे जो होता है आधार होता है, यानी कि इसको बेस बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और ये जो है सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो होता है उसको हाइपोटेनस बोला जाता है, यानी कि उसको आप कर्ण बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लंब, आधार और कर्ण, इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। तो अब इसी पर पाइथागोरस साहब ने क्या किया था, इसका एक फॉर्मूला निकाला था कि एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको आपको रट लेना है, ठीक है। मैं बार बार रटने की कोशिश बोलता हूं कि रट लो, लेकिन आप इसको समझते हुए रटना, ठीक है, ताकि आपको आगे इसका यूज करने आ सके। तो चलिए, यहां तो ये पूरा जो सेक्शन है ये समझ में आपको आ गया होगा, मुझे ऐसा विश्वास है, ठीक है। यानी कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया होगा। और जो थीटा है, थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर कहते हैं, उसके नीचे वाले को बेस कहते हैं, और ये वाले जो सेक्शंस है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। तो अब ये समझ में आ गया, तो हम लोग इसके आगे वाले सेक्शन में चलते हैं। आप इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, ताकि आपको आगे समझने में कोई परेशानी ना हो। तो देखिए, आगे दो डेफिनेशन है और इसको थोड़ा सा हम लोग रेशियोज को समझेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स, यहाँ पे देखिए एंगल्स का रेशियो कर रहे हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि वही संबंध जो एंगल और साइड का जो संबंध था ना, उसी को हम लोग रिलेशनशिप को फाइंड आउट करेंगे, तो उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। आप देख पाओगे यहाँ पे द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ अ राइट
ट्राइंगल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल्स इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल्स। कहने का मतलब यहाँ पे राइट एंगल्स जो ट्राइंगल है उसके जो एक्यूट एंगल दो है, एक्यूट एंगल मतलब 90 से कम वाला एंगल, ठीक है। तो जो एक्यूट एंगल है और उसके सामने आमने सामने वाला या तो जो नीचे ये इधर वाला हाइपोटेनस, वो सभी साइड का अगर रिलेशनशिप रेशियोज फाइंड आउट करते हैं तो उसी को बोला गया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल्स बोला गया, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल्स बोला गया। अब इसमें हम लोग फाइंड आउट क्या करेंगे, अब यहाँ पे 6 रेशियोज दिया गया है, क्या दिया गया है 6 रेशियोज, उसको पहले जान लेते हैं उसके बाद हम लोग अगले जो सेक्शन है उसको मैं समझेंगे उसको कि कैसे इसको फाइंड आउट करना है, याद कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ जानने की बात है, देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहला है साइन ऑफ एंगल सी। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो बनाया था इसी को हमने रिपीट कर दिया, यहाँ पे ये थीटा है और इसके सामने वाला पी, नीचे वाला बी और नीचे वाला एच, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं साइन ऑफ एंगल सी, साइन ऑफ एंगल सी बोल रहे हैं और इसको शॉर्ट में लिखोगे आप साइन थीटा, इसी को आपको रटना है, साइन ऑफ एंगल सी नहीं बोलना है, अब डायरेक्ट बोलना है साइन थीटा, ठीक है, यानी कि इसको एंगल को माना है थीटा। तो इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस इसको बोला जाता है पी बाय एच, ठीक है। उसके बाद है आपका ये कोसाइन ऑफ एंगल सी, कोसाइन ऑफ सिंगल एंगल सी को आप शॉर्ट में लिखते हो कॉस थीटा और इसका फॉर्मूला आप याद करोगे बी बाय एच, यानी कि ऊपर हो गया बेस और नीचे होगा हाइपोटेनस, तो बेस बाय हाइपोटेनस इस इसको बोला जाता है cos थीटा। नेक्स्ट है टेंजेंट ऑफ एंगल सी, टेंजेंट ऑफ एंगल सी को बोलते हैं tan थीटा, आप इसको याद करने वाले जो जो मैं मार्क कर रहा हूं ना उसी को आपको याद करना है, ठीक है। तो ये tan थीटा इक्वल्स टू पी बाय बी, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। अब देखिए क्या होता है, ये जो तीनों आप पढ़े ना ये तीनों का रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल कहने का मतलब उल्टा, ठीक है, रेसिप्रोकल कहने का मतलब उल्टा, जैसे मान लो कि 5/4 है तो उसका उल्टा हो जाएगा 4/5, ठीक है, तो इसको पलट देंगे। तो यहाँ पे पहला है कोसेकेंट ऑफ एंगल सी, कोसेकेंट किसका उल्टा है भाई, तो ये है साइन थीटा का उल्टा, तो इसको बोलते हैं कोसेक, कोसेक थीटा, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एच बाय पी है, यानी कि एच बाय पी किसका था 1/, इसको हम लोग बोल सकते हैं साइन थीटा, ये क्या है 1/sin थीटा, इसको हम लोग कोसेकेंट यानी कोसेक को 1/sin थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है सेकेंड, ये sec थीटा जिसको h बाय b बोल सकते हैं, देखो b बाय h था इसी को जस्ट पलट दिए हैं तो h बाय b हो गया और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/cos थीटा, अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कोटेंजेंट ऑफ एंगल सी, कोटेंजेंट ऑफ एंगल सी को आप शॉर्ट में लिखते हो, शॉर्ट में क्या लिखते हो आप cot थीटा लिखते हो, ठीक है। तो cot थीटा को b बाय p कहेंगे और ये tan का जस्ट उल्टा है, तो यहां पे आप ये लिख सकते हैं कि 1/tan थीटा, 1/tan थीटा, ये आपको याद कर लेना है क्योंकि इसका जो प्रयोग हम लोग करने वाले हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। ये ऐसा चीज है, सेगमेंट है कि ये आप आगे चल के हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस वगैरह पढ़ेंगे उसमें भी इस्तेमाल इसका होगा, आइडेंटिटीज पढ़ेंगे उसमें भी इसका इस्तेमाल होगा। तो आपको इसको करना क्या है, एकदम जस्ट याद कर लेना है, लिप्स पे होना चाहिए, आपके माउथ पे होना चाहिए, मुंह पर होना चाहिए इसका, जैसे मैं पूछूं उसका tan थीटा क्या होगा p बाय b, sin थीटा क्या होगा p बाय h, cos थीटा क्या होगा b बाय h, ठीक है। उसी तरह से आपको sec थीटा का उल्टा कर देना है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, ये 6 के 6 रेशियोज आपको जस्ट याद कर लेना है, यही 6 रेशियो पर पूरा जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है वो खड़ा है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमारा पृथ्वी जो है एक सांप पे खड़ा है, एक नाग पे खड़ा है, वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री ये 6 रेशियोज पे खड़ा है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा बच्चे, उम्मीद करते हैं कि आगे वाले वीडियो भी हमारा ऐसे ही बेहतरीन हो ताकि आपको समझ में आए। जो भी प्रॉब्लम्स इसमें रहे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद, वंदे मातरम।